आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज, खबर आपकी पहल हमारी। दीपिका पांडे सिंह को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महिला सचिव बनने पर कार्यकर्ताओं ने उनके पदभार ग्रहण के पश्चात आज महागामा आगमन पर बाइक रैली निकाली। बसपा चौक से रैली दाढ़ीघाट तक गई, फिर वहां से अनवारा तक। इस रैली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के सहित NSCI के सदस्य शामिल थे। इस बाइक रैली में खुशी से झूमते कार्यकर्ताओं ने जमकर जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते वक्त दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि यूथ कांग्रेस हो या जिला अध्यक्ष का पद, मैंने पूरे निष्ठा से अपनी जिम्मेवारी को निभाया है। मैडम, पहले आप जिला अध्यक्ष थी, अभी आपका सात और पद दोनों बढ़ गया है, तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, इसे आप कैसे निर्वाह करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पार्टी ने जब भी मुझे जहाँ भी जिम्मेदारी हो दी हो, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, जिला कांग्रेस हो और अब महिला कांग्रेस, मैंने यह प्रयास किया है कि मेरी जो जवाबदेही उस पद पर रहते हुए हो उसको मैं अच्छे तरीके से निभाऊं। और मुझे लगता है युवा कांग्रेस की बात हो चाहे जिला कांग्रेस की बात हो, संगठन को जो मजबूती, जो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम था, वो भी मैंने अपने उस कार्यकाल में बखूबी किया है। साथ ही साथ जन मुद्दों को जिस तरीके से उठाना चाहिए था युवा कांग्रेस में या जिला कांग्रेस में रहते हुए, वो भी मैंने किया। महिला कांग्रेस को अब इस साल 2019 चुनाव का वर्ष है, बहुत बड़ी दायित्व है। इस देश में उसी की सरकार बनेगी जिसके साथ महिलाएं होंगी, तो यह जवाबदेही मेरी अब बढ़ गई है। मेरा यह प्रयास रहेगा कि जहां भी प्रभार क्षेत्र हो, चाहे अपने इस गोड्डा जिला से भी, जो महिलाएं घर में बैठी हुई हैं और आज राजनीति में हिस्सा नहीं ले रही हैं, या जो पावर शेयरिंग की बात है वो, उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराना मेरा पहला दायित्व होगा। मैं इसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर मानती हूँ। अगर कहा जाए एक तरह से कि जो पद आपको मिला है, तो किसको आभार व्यक्त करना चाहेंगे इस पद के लिए? मुझे इसके लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस की सुष्मिता देव जी का मैं विशेष रूप से आभार करना चाहूँगी। साथ ही साथ मैं इस प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अजय जी और हम लोगों के राष्ट्रीय प्रभारी झारखंड के श्री आरपीएन सिंह जी और यहाँ के प्रभारी मैनुल हक जी और हमारे राजनीतिक संरक्षक हमारे गुरु श्री आलमगीर आलम जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। आगे की मैडम क्या कार्यनीति होगी? अब तो पद लेकर के आई हूँ, कुछ हमें निर्देश हम लोगों की राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिला है। आजकल में मुझे कौन सा राज्य मिलेगा प्रभार में वो तय हो जाता है, फिर मैं अपने काम को शुरू करूँगा। अब महिला कांग्रेस की जिम्मेवारी मुझे मिली है, इस जिम्मेवारी को भी पूरी निष्ठा के साथ निभाने का प्रयत्न मैं करूंगी। वहीं इस जुलूस और दीपिका पांडे सिंह के जयजयकार के नारे भविष्य के चुनाव की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन फिलहाल महागामा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा पद दीपिका पांडे सिंह को मिलने से हर्ष और उल्लास का माहौल है। अमित सिंह संवाददाता मिलन भगत के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट एक्सप्रेस न्यूज़ कोटा के लिए।